top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. भाटी है, मैं नोएडा प्राधिकरण में पिछले 22 वर्षों से सुपरवाइजर पद पर काम कर रहा हूं, लेकिन 22 वर्षों लगातार कार्यरत रहने के बाद ऐसा प्राधिकरण ने हमारे साथ व्यवहार कर रखा है कि आज तक हमारी कोई पहचान नहीं हुई है कि प्राधिकरण में हम किस नाम से हैं, क्या हमारा पद है, कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को सुपरवाइजर कहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं क्या हूं। हमारी जो गिनती है लगभग 4,500 कर्मचारियों के नोएडा प्राधिकरण में, जिसमें जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिविल विभाग और हॉर्टिकल्चर सभी विभागों में लगभग हमारे लोग लगे हुए हैं, और इतनी पुरानी सेवा करने के बाद भी आज तक प्राधिकरण ने किसी भी कोई भी सुविधा हम लोगों को नहीं दी है। जैसे किसी भी उसमें हम जाए, कोई छोटे से छोटा ठेकेदार भी अगर कहीं कार्य कर रहा है तो उसके पास सर्विस टैक्स नंबर है, पीएफ नंबर है, ईएसआई नंबर है। कोई भी हमारे किसी भी ठेकेदार हमें बताया जाता है, कई बार हमें संविदाकर्मी बताया जाता है, कई बार अस्थायी कर्मचारी बताया जाता है। लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और कल हम लखनऊ पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री साहब से अपनी बात रखी है। आपकी क्या मांगे? हमारी मांगे हैं कि हमें सबसे पहले कि नियमित किया जाए, नियमित करने का भी, क्योंकि बार बार ही हमें कह रहे हैं, तो मांगे रखी है कि हमारा एक छोटा सा अकाउंट खोल के उस अकाउंट में हमारा जो भी वेतन हमें न्यूनतम से न्यूनतम वेतन दिया जाता है उस वेतन को हमारे अकाउंट में सीधा भेजा जाए। हमें जो है आई कार्ड बनाया जाए, पीएफ सुविधा हमें मिलनी चाहिए, चिकित्सा सुविधा हमें मिलनी चाहिए। ये कोई भी सुविधा जो नहीं दी जाती वो सारी हमारी मांगे हैं। जो प्राधिकरण हमें लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, कई बार मुख्य कार्यपालक अधिकारी से बात हुई है, दूसरे उच्च अधिकारियों से बात हुई है, लेकिन कुछ भी सुविधा हमें देने के लिए तैयार नहीं है। जिंदाबाद।